हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एम के। आज आप लोगों को दिखाएंगे, ये हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर है और मॉडल है ऑप्टिमा E2। तो ये गाड़ी नहीं चल रहा है एक्सेलेटर देने पर भी, तो ये कैसे ठीक करेंगे पार्ट आज आप लोगों को दिखाएंगे। मोटर कैसे चेक करेंगे, मोटर कॉयल ख़राब हुआ है या हॉल सेंसर ख़राब हो गया है मोटर का, एक्सेलेटर मुट्ठी ख़राब हो गया है या कंट्रोलर ख़राब हो गया है, पार्ट आप लोगों को दिखाएंगे। डिटेल्स एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, कैसे आप लोग चेक करेंगे कौन सा चीज़ का ख़राब हुआ है, कैसे ठीक करेंगे। ये ई-बाइक टेस्टिंग डिवाइस से आप लोगों को दिखाएंगे पार्ट। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए पूरा वीडियो देखते जाइएगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये अभी नहीं चल रहा है, दूसरा जगह पर दिखाया था ये गाड़ी, वो नहीं हुआ है तो मेरे पास आया है। हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ठीक करके आप लोगों को दिखाएंगे। और इस गाड़ी में हेडलाइट जल रहा है, हॉर्न बज रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं चल रहा है। चाबी ऑन करने से मीटर पर पावर शो हो रहा है, ये दिखा रहा है। हेडलाइट जल रहा है, हॉर्न बज रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं चलता है एक्सेलेटर देने पे। तो क्या हुआ है इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। और इसी तरह आप लोग नया नया वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना वीडियो देखना चाहते हैं, तो टेक्निकल हेल्प एम के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी वीडियो डालेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और बगल में बेल का आइकन ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये लिथियम वर्सन है, इसमें लिथियम बैटरी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए 48 वोल्ट का ये गाड़ी है, बैटरी भी 48 वोल्ट का है, लिथियम गाड़ी है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हो रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है, हॉर्न बज रहा है। चाबी ऑन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ऑन किए, मीटर ऑन हो गया है, हॉर्न भी बजता है, आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है। और एक्सेलेटर देने पे गाड़ी नहीं चल रहा है। जब एक्सेलेटर दे रहे हैं, एक्सेलेटर देकर आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए चाका नहीं घूम रहा है, एक्सेलेटर दिया हुआ है। देखिए एक्सेलेटर दिए हैं, चाका नहीं घूम रहा है, घुमाने पर भी ये चाका नहीं घूम रहा है। इसमें क्या हुआ है, कैसे आप लोग ठीक करेंगे, कैसे इसका जो प्रॉब्लम है, मतलब इसमें कौन सा चीज़ खराब हुआ है, कैसे आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे, जो एक्सेलेटर मुट्ठी ख़राब हुआ है या कंट्रोलर ख़राब है या मोटर का सेंसर ख़राब है, कैसे ठीक कर पाएंगे, एक एक करके आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। हमने सभी कनेक्शन खोल के रखे हैं, एक्सेलेटर का, कंट्रोलर, मोटर। सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं एक्सेलेटर मुट्ठी कैसे चेक करेंगे, जो एक्सेलेटर मुट्ठी ख़राब है या ठीक है। ये जो एक्सेलेटर मुट्ठी है, इसका वायर यहाँ पर निकल के आया है, ये है एक्सेलेटर मुट्ठी का वायर। ये पहले भी कहीं पर दिखाया था लेकिन वो कर नहीं पाया, इसलिए मेरे पास आया है। तो ये काट के रखा हुआ है, आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले एक्सेलेटर मुट्ठी कैसे चेक करता है, सबसे पहले दिखा देते हैं, उसका कनेक्शन हम कर लेते हैं। ये जो ई बाइक टेस्टिंग डिवाइस है इससे कर लेंगे। ये ई बाइक टेस्टिंग डिवाइस आप लोगों को बता देगा एक्सेलेटर मुट्ठी ख़राब है या अच्छा है। ये ई बाइक टेस्टिंग डिवाइस आप लोगों को चाहिए तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, अमेजोन से आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए पहले कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए हमने कनेक्शन करके रखे हैं, तो इसका जो कनेक्शन होगा इधर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है थ्रॉटल एंड ब्रेक लीवर। तो यहाँ पर चेक होगा आपका थ्रॉटल ख़राब हुआ है या अच्छा है, मतलब एक्सेलेटर मुट्ठी ख़राब हुआ है अच्छा है। तो देखिए हमने कनेक्शन लगा दिया, ब्लू पर ब्लू लगाया, ब्लैक पर ब्लैक और रेड पर रेड लगाया, ऐसे करके आप लोगों को कलर मिला के लगाना है। और ये जो स्विच है ये ऑन करना है। तो देखिए हमने ऑन किया तो ये लाइट जल रहा है। अब एक्सेलेटर देंगे तो देखिए हमने एक्सेलेटर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड लाइट है, देखिए एक्सेलेटर देने पे जलेगा। देखिए एक्सेलेटर छोड़ रहे हैं, बंद हो जा रहा है ये लाइट। देखिएगा जो थ्रॉटल ग्रिप लिखा हुआ है यहाँ पर बगल में, देखिए थ्रॉटल ग्रिप लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए हमने एक्सेलेटर दे रहे हैं तो देखिए ये जल रहा है, छोड़ दे रहे हैं, बंद हो जा रहा है। फिर एक्सेलेटर दे रहे हैं तो जल रहा है, मतलब ये एक्सेलेटर मुट्ठी ठीक है, ये ख़राब नहीं है।
तो ये एक्सेलेटर मुट्ठी चेक हो गया। सबसे पहले आप लोगों को अगर गाड़ी नहीं चलता है तो एक्सेलेटर मुट्ठी चेक कर लेना है। उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे मोटर का हॉल सेंसर और मोटर कैसे चेक करता है। उसके बाद कंट्रोलर दिखाएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका अच्छा सा नॉलेज आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं चलने पर क्या क्या चेक करेंगे। इसको ठीक करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। मोटर का जो हॉल सेंसर है और मोटर का जो फेज का कनेक्शन है ये ई बाइक टेस्टिंग डिवाइस से कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए हमने मोटर पर कनेक्शन कर लिया। ये जो ई बाइक टेस्टिंग डिवाइस है और ये मोटर का कनेक्शन है, ये मोटर का केबिल है, देखिए मोटर से आ रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्शन कर लिया और इसका जो कनेक्शन होगा देखिए यहाँ पर लिखा है मोटर हॉल लाइन लिखा है और एक लिखा है मोटर मेन फेज लाइन। तो हमने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया, तीनों तार मिला के कलर मिला के कनेक्शन कर लिया। तो ये येलो वायर खोल गया है, इसको लगा लेते हैं। तो देखिए ये जो मेन फेज लाइन यहाँ पर लिखा है मोटर मेन फेज लाइन, तो मोटर का फेज लाइन पर तीनों कनेक्शन कर लिया, कलर मिला के होगा, येलो पर येलो, ब्लू पर ब्लू और ग्रीन पर ग्रीन कर लिया है। और यहाँ पर लिखा है आप लोग देखते हैं मोटर हॉल लाइन। तो देखिए हमने मोटर का जो सेंसर का लाइन है यहाँ पर कलर मिला के कनेक्शन कर लिए हैं। तो उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं ये स्विच ऑन करते हैं। तो देखिए ये स्विच ऑन करने पर ये लाइट जलेगा, मतलब ये डिवाइस ऑन हो गया है। और ये है मोटर हॉल सेंसर का लाइट, कौन सा हॉल सेंसर ख़राब है ये लाइट जलेगा नहीं या जल के रह जाएगा। और ये है मोटर हॉल सेंसर का मेन फेज का लाइन चेक करने वाला, ठीक है। यहाँ पर कलर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, देखिए येलो ग्रीन और ब्लू, मतलब जो लाइट जलेगा नहीं या जल के रह जाएगा वो फेज खराब है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है येलो ग्रीन ब्लू, मतलब ब्लू कनेक्शन यहाँ पर लगा है, ब्लू वायर पर जिस हॉल सेंसर है वो खराब है, ये नहीं जलेगा या जल के रह गया है, जो हॉल सेंसर लगा हुआ है वो हॉल सेंसर ख़राब है, ऐसे करके आप लोगों को पता चलेगा। तो इसका जो चेक करने का प्रोसेस है चाखा घुमाना होगा। तो देखिए हमने धीरे धीरे चाखा ऐसे घुमा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तीनों लाइट जल रहा है और बंद हो रहा है, देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये तीनों हॉल सेंसर ठीक है। आप लोग देख सकते हैं तीनों हॉल सेंसर ठीक है। आप इसको घुमाएंगे ज़ोर से, ऐसे करके घुमाएंगे ऐसे करके, तो देखिए जो फेज लाइन है वो भी जल रहा है, मतलब ये तीनों जल रहा है, मतलब ये फेज लाइन भी ठीक है, मोटर का जो कॉयल है ठीक है और मोटर हॉल सेंसर जो है वो भी ठीक है, तीनों लाइट ब्लिंक कर रहा है, जल रहा है और बंद हो रहा है, मतलब ये जो मोटर है इसका हॉल सेंसर और कॉयल दोनों ही ठीक है। तो एक्सेलेटर मुट्ठी चेक हो गया, मोटर चेक हो गया, आप दिखाएंगे कंट्रोलर कैसे चेक करता है, कहाँ पर ख़राब है, आप लोग शॉर्ट आउट कैसे करेंगे अगर गाड़ी नहीं चलता है। ये तीनों प्रोसेस करने से आपको पता चल जाएगा कौन चीज़ का ख़राब हुआ है। तो हमने दोनों देखा दिया, एक्सेलेटर मुट्ठी और मोटर का, आप देखा देते हैं ये कंट्रोलर का, कंट्रोलर कैसे चेक करेंगे। तो कंट्रोलर का कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए हमने कनेक्शन कर लिया, कंट्रोलर के साथ कनेक्शन किया है। ये कंट्रोलर का जो मोटर पर कनेक्शन लगता है तीनों वायर, और ये कंट्रोलर का कनेक्शन है जो मोटर का सेंसर पर लगता है, लेकिन ये कंट्रोलर चेक हो रहा है तो इसीलिए कंट्रोलर के तरफ जो कनेक्शन है वहाँ पर करना होगा। और यहाँ पर लिखा रहेगा, देखिए ई बाइक टेस्टिंग डिवाइस पर लिखा है कंट्रोलर मेन फेज लाइन, तो कंट्रोलर का मेन फेज लाइन के साथ कनेक्शन कर लिया है। और इधर लिखा है कंट्रोलर हॉल लाइन, कंट्रोलर का हॉल का सेंसर का जो लाइन होता है मोटर पर लगता है, यहाँ पर हमने दोनों कनेक्शन कर लिया कलर मिला के। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये डिवाइस ऑन करना होगा। तो देखिए ऑन करने से ये डिवाइस का लाइट जलेगा और कंट्रोलर अगर सही रहता है तो ये कंट्रोलर का 5 वोल्ट का लाइट जलेगा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसका जो फॉल्ट है यहाँ पर पकड़ में आ गया है, क्या खराबी है यहाँ पर आप समझ पाएंगे। कंट्रोलर पर लाइन नहीं आ रहा है, अगर लाइन आता है ये कंट्रोलर 5 वोल्ट लाइट जलता है तो ये कंट्रोलर ठीक माना जाता है, जो कंट्रोलर पर लाइन आ रहा है,
ये लाइट ही नहीं जल रहा है तो कंट्रोलर पर इसका जो इनपुट करंट है ये नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले करंट चेक कर लेना होगा, उसके बाद कंट्रोलर चेक होगा जो ये एक्सेलेरेटर देने पे ये लाइट जलेगा। तो ये दिखा देंगे आप लोगों को एक्सेलेरेटर देने पे ये लाइट जलेगा या नहीं जलेगा। तो ये कंट्रोलर का 5 वोल्ट लाइट जलना ही चाहिए, कभी कभी ये लाइट नहीं जलता है लेकिन ये 5 वोल्ट लाइट जलने से माना जाता है कंट्रोलर ठीक है और एक्सेलेरेटर देने पे ये लाइट जलेगा। कभी कभी ये लाइट नहीं जलता है लेकिन ये कंट्रोलर 5 वोल्ट लाइट जलने से ही कंट्रोलर ठीक रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है कंट्रोलर पर 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, मतलब इसमें करंट सप्लाई नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस गाड़ी में करंट का जो सप्लाई है चेक कर लेना होगा। तो इस गाड़ी में हमने क्या देखे हैं, ये जो मेन इनपुट है बैटरी का 48 वोल्ट, यहाँ पर हमने चेक किया है, ये जो जैक पिन है ये ऊपर से देख के नहीं पता चल रहा है जो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर 48 वोल्ट चेक करने से आ रहा है लेकिन यहाँ पर इन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए कोई ने इसको खोला था लेकिन वो कर नहीं पाया, समझ में नहीं आया उसका। तो हमने क्या किया, तो इधर हमने काट लेते हैं और इधर काट लेते हैं, काट के मोड़ देते हैं। ज़्यादातर ऑप्टिमा हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जितना मॉडल है ज़्यादातर है ऑप्टिमा में ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये जैक पिन का प्रॉब्लम होता है, इसमें लूज कनेक्शन हो जाता है अंदर में, ऊपर से आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये अंदर ही हो जाता है। तो इसको हमने काट के जोड़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें 5 वोल्ट आता है या नहीं आता है। तो देखिए कंट्रोलर का ये जो मेन लाइन इनपुट होता है ये 48 वोल्ट करंट का सप्लाई है बैटरी से जो आता है और कंट्रोलर में जाता है। तो इसका हमने जो कनेक्शन है कनेक्शन काट के यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये लूज कनेक्शन था मुझे लगता है, इसका जो ब्लैक वायर है इधर देखिए, देखिए ये दोनों वायर जो रेड वायर है ये रख दिया है और ये वायर हमने काट के मोड़ दिया है, ठीक है। ये वायरिंग से आता है और इधर कंट्रोलर पर जाता है। कंट्रोलर का कनेक्शन कौन सा कनेक्शन का क्या फंक्शन है, वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल्स वीडियो है, ये वीडियो जाके देख सकते हैं कंट्रोलर का कनेक्शन कौन सा वायर क्या फंक्शन है कहाँ पर लगता है। तो इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में सिर्फ हम दिखाएंगे गाड़ी नहीं चल रहा है तो कैसे चलाएंगे। तो देखिए हमने जोड़ लिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कंट्रोलर का 5 वोल्ट है वो करंट आ गया है यहाँ पर। आप क्या करेंगे, एक्सेलेरेटर देके चेक करेंगे, ये देखिए कंट्रोलर यहाँ पर लिखा है, तो एक्सेलेरेटर देंगे तो देखिए, तो देखिए एक्सेलेरेटर दे रहे हैं, देखिए जल रहा है BBCC AA AA BBCC, ऐसे कंट्रोलर ठीक रहेगा तो जलेगा, अगर कंट्रोलर ठीक नहीं रहेगा एक्सेलेरेटर देने पर भी ये लाइट नहीं जलेगा, मतलब कंट्रोलर ख़राब हो गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है, फिर बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये 5 वोल्ट लाइट जलने से कंट्रोलर ठीक है ये माना जाता है, कभी कभी एक्सेलेरेटर देने पर ये लाइट नहीं भी जलता है, ठीक है। तो जिसका कंट्रोलर सही रहेगा सब कुछ ठीक रहेगा उसमें एक्सेलेरेटर देने पे ये लाइट जलेगा। फिर एक बार आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, देखिए एक्सेलेरेटर दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लाइट जल रहा है, AA BB CC जल रहा है, देखिए एक्सेलेरेटर छोड़ दे रहे हैं लाइट बंद हो गया, फिर एक बार एक्सेलेरेटर दे रहे हैं, देखिए लाइट जल रहा है AA BB CC ऐसे करके, मतलब इसका कंट्रोलर भी अभी ठीक है। तो एक्सेलेरेटर मुट्ठी चेक हो गया ठीक है, मोटर चेक हो गया ठीक है, आप देखते हैं चक्का घूमता है या नहीं है, इसको लगा देते हैं। मेन जो डिस्टर्ब था ये वायर डिस्टर्ब था, वायर में लूज कनेक्शन था इसीलिए करंट नहीं आ रहा था, तो इसको ठीक कर दिया हमने, जोड़ दिया। अभी इसको इंसुलेटर टेप देके अच्छा करके लगाएंगे, पहले आप लोगों को दिखा देते हैं गाड़ी चलता है या नहीं चलता है, कनेक्शन कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए मोटर के साथ कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए हमने कंट्रोलर के साथ मोटर का कनेक्शन कर लिया और पहले से ही एक्सेलेरेटर कनेक्शन किया हुआ था और ये जो लूज कनेक्शन था ये कनेक्शन हमने जोड़ दिया। अब एक्सेलेरेटर दे रहे हैं, चाबी ऑन है, चक्का घूमेगा, आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए चक्का घूम रहा है, स्पीड भी हो रहा है, ठीक है आप लोग देख सकते हैं। देखिए अभी स्पीड का वायर इसका खुला हुआ है, लगा देते हैं। कोई कोई ने पूछता है इसका स्पीड का वायर क्या है, तो देखिए इसमें दिखा देते हैं स्पीड का वायर जो है वो कौन सा है। तो देखिए स्पीड का वायर जो है ये वाला स्पीड का वायर है, देखिए ये लगाने से स्पीड उठेगा, आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए हमने लगा दिया है ये वायर, वायरिंग से आया है, देखिए यहाँ पर ब्लैक वायर और इधर से कंट्रोलर से रेड, ये कलर हेर फेर हो सकता है, ये मीटर
जो स्पीड होता है किलोमीटर कितना चलता है उसका वायर है। तो देखिए हमने लगा दिया, अब स्पीड उठेगा। देखिए एक्सेलेटर दे रहे हैं, स्पीड उठ रहा है, 27 स्पीड है, एक्सेलेटर फुल दिया हुआ है। तो आप लोगों को दिखाया है, अगर गाड़ी आपका नहीं चलता है तो क्या करने से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक कर पाएंगे, एक एक करके पार्ट पार्ट दिखाया है डिटेल्स इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर। और पार्ट पार्ट आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, कंट्रोलर कैसे चेक करता है, मोटर कैसे चेक करता है, एक्सेलेटर मुट्ठी कैसे चेक करता है, सभी का वीडियो मेरे चैनल पर है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट पार्ट वीडियो दिया हुआ है, और ये सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह नया नया कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रॉब्लम सॉल्व करना वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेक्निकल हेल्प एम के चैनल को सब्सक्राइब करने से हो गया क्या, हम जब भी वीडियो डालेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।